स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, आज हम करेंगे बेटा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्लियरली ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज टेलीस्कोप। राइट, क्लियर है? तो हमारे पास जो टेलीस्कोप होता है, तो टेलीस्कोप जो है, हमारे पास दो तरह के टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप मेनली जो हम यूज करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, राइट, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव टाइप। कौन कौन सा मैंने बोला? रिफ्रैक्टिव, ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पर रिफ्लेक्टिव एल है, रिफ्लेक्टिव टाइप, राइट। तो टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप में हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव टाइप एंड रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिव टाइप भी दो तरह के होते हैं। नंबर वन ये है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कौन कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा हमारे पास क्या है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मतलब रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप के हमारे पास दो पार्ट है यहां पे, क्लियर है। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में हमारे पास क्या है? एक सेसिग्रेन टाइप है, दूसरा न्यूटोनियन टाइप है। इसमें भी दो टाइप है, एक और ये क्या है? न्यूटोनियन टाइप, क्लियर है। मतलब जो टेलीस्कोप है वो दो तरह के हैं हमारे पास, रिफ्रैक्टिव टाइप, एक है रिफ्लेक्टिव टाइप। रिफ्रैक्टिव टाइप में एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल आता है, और रिफ्लेक्टिव टाइप में हमारे पास सेसिग्रेन टाइप और न्यूटोनियन टाइप आता है, राइट, क्लियर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, जितने भी डिस्टेंस स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको हम देखते हैं, राइट। अब जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हमारे पास इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इनवर्टेड। ध्यान से सुनना ये बात, वर्चुअल। अब स्टार जो है वो ऐसे होता है, मून ऐसे होता है, सन भी ऐसे होता है, डिस्टेंस स्टार, स्टार को चाहे आप टेढ़ा ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, हमें क्या पता उसका सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट्स मेनली जो होते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, वो सर्कुलर इन शेप होते हैं मेनली, मतलब हमें गोल गोल दिखाई देते हैं। तो इसलिए उनकी जो इमेज है, चाहे वो इन्वर्टेड है तो हमें वो सीधा ही दिखाई देगा, हमें क्या पता उसका क्या उल्टा है क्या सीधा है, ठीक है। अगर आप मान लो किसी फुटबॉल को बहुत दूर से देख रहे हो, आपको क्या पता कि सीधा क्या है उसका उल्टा क्या है, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो उसकी इमेज हमारे पास बनती है वो वर्चुअल बनती है, और हमारे पास क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है। तो इन्वर्टेड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो है ही गोल है, ठीक है। मतलब हमें दिखाई देते हैं कि वो सारे के सारे क्या है, गोल है, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ आ गई। चलो अब हमारे पास आ गया टेरेस्ट्रियल टाइप। टेरेस्ट्रियल टाइप का मतलब क्या होता है? जो हम अर्थ के ऊपर बहुत, जैसे वो पहाड़ी के ऊपर मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, मैंने उसको देखना है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, मैंने वो देखनी है, राइट। तो जो हम अर्थ के ऊपर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होती है, तो वहां पर हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं। लेकिन उसकी जो हमारे पास इमेज आती है वो वर्चुअल आती है और इरेक्ट आती है। क्या आती है? वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें क्या थी? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इसमें क्या थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये सारे टाइप आपको समझ आ गए। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्टिव टाइप। इसमें दो टाइप है, सेसिग्रेन टाइप और न्यूटोनियन टाइप, और ये मैं आपको डायग्राम जब बनाऊंगा तब आपको समझा लूंगा, ठीक है। तो मेन आज हम करेंगे क्या करेंगे? आज हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर उसके बाद हम करेंगे टेरेस्ट्रियल। आज का जो टॉपिक है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये मैंने टाइप्स आपको थोड़ा सा बता दिया कि टाइप्स जो है वो क्या है। तो मेनली हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अब? एस्ट्रोनॉमिकल। ये आपने अगर क्लिक करना तो कर लो, चलें आगे। चलो अब हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बताया आपको मैंने कि ये क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जितने भी हम स्टार्स हैं, राइट, उनको ऑब्जर्व करते हैं, मून को ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं उसको, जो डिस्टेंट हैं, बहुत दूर है हमारे से, उसमें हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। मतलब यूज टू ऑब्जर्व हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, डिस्टेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स, क्लियर है, समझ आ गई। तो जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, दे आर ऑलमोस्ट राउंड, सो इन्वर्टेड इमेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट।
अब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, सिर्फ फर्क क्या है जो हमने पहले किया था, क्या किया था इससे पहले, क्या किया था भाई, उससे थोड़ा सा उल्टा है ये का। उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो माइक्रोस्कोप किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया था, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ क्या थी, स्मॉल थी, और उसका अपर्चर क्या था, स्मॉल। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दो एक्रोमेटिक कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, दे आर माउंटेड कोएक्सियल, राइट। एक ट्यूब होती है उसमें ये माउंट कर दिए जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है मतलब ये इसके ऊपर जो लाइट आ रही है, जो रेज आ रही है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, हम तो यही ऑब्जर्व करेंगे। तो इन्फिनिटी से क्या आता है, हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, राइट, क्लियर है। तो इसका अपर्चर भी लार्ज होगा और फोकल लेंथ भी क्या होगी, लार्ज होगी। इसको याद रखना है कि इस केस में अपर्चर जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, राइट, अपर्चर भी लार्ज होगा और फोकल लेंथ भी क्या होगी, इसकी क्या होगी, लार्ज होगी। गॉट इट, क्लियर है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आ गया आईपीस। आईपीस यहां पर होता है और वो जो आईपीस होगा उसकी क्या खासियत है कि उसका जो अपर्चर होगा, मैं ए लिख रहा हूं, वो क्या होगा, स्मॉल, और उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, स्मॉल। क्लियर है। अब मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर एडजस्ट कर लेंगे, तो डायग्राम थोड़ी विदाउट स्केल बनानी मुश्किल होती है, लेकिन मैं फ्री हैंड यहां पर बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पता चल गया। अब यहां पर जो रेज आती है, देखो एक रे यहां से हम पास करेंगे सीधी सी, ये आ रही है, ये चलेगी, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर है। क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम सी वन ले लेते हैं। ये इन्फिनिटी से रे, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वहां से जो रे आती है वो कहां, पैरेलल बीम आता है, क्लियर है, राइट। अब ये रे आई है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से पास की, इसमें कोई डेविएशन नहीं, ये तो आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती है। अब ये रे जो है ये कहां से पास कर रही है, इसके फोकस से पास कर रही है, यहां पर मिल रही है इसको, ठीक है, ये इसका क्या है, फोकस है। किसका, ऑब्जेक्टिव का। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई, यहां पर मिल रही, आपने स्केल से बनानी है तो बढ़िया डायग्राम बन जाएगा। अब उसके बाद इसका मतलब जो ये बनी है हमारे पास, ये बनी, ये है ए डैश बी डैश। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी के ऊपर है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब डिस्टेंस आ रही होगा, तो अभी वहां से पैरेलल बीम आ रहा है, राइट, क्लियर है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी के ऊपर है, तो वहां से हमारे पास पैरेलल बीम रेज के आ रहे हैं। तो अब फोकस जो है वो कहां पर बना, ये यहां पर क्या हो रहा है कि ये रे आपके पास आ रही है, तो यहां पर हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इतनी बात क्लियर हो गई, पता चला। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात आपको बोल रहा हूं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो क्या ये हमारा फोकस होगा, मुझे ये बात बतानी है आपने कि कोई भी पैरेलल रे फोकस से पास करती है। मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए बोलता था कि यहां पर फोकस आना है या नहीं आना, बच्चे यही गलती करते हैं, यहां पर एफ जीरो लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, दिस इज नॉट पैरेलल। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तब वो फोकस से पास करती है, इस बात को याद रखना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर F0 नहीं आएगा, समझ आई मेरी बात, यहां पर जो F0 आप लिखते हो वो नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जब मैं पेपर चेक करता हूं तो मुझे यहां पर F0 दिखाई देता है, नहीं बेटा, जब भी कोई रे पैरेलल आती है, राइट, ये तो हम अब टेलीस्कोप को हम ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास करेगी,
ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रे अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है तो जो आपकी मतलब हम इसमें क्या करते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बनाते हैं। जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसको एडजस्ट करते हैं तो हम वहां पर रैक एंड पिनियन, मैंने बताया तुक्के वाला काम कि आगे पीछे उसको करना है लेंस को, राइट, दोनों लेंस है वो एडजस्टेबल होते हैं जैसे कैमरे में होते हैं ना, वो ऐसे ही इसको एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास ये रे कहाँ से आ रही है, ये पैरेलल तो नहीं आ रही, तो ये रे फोकस थोड़ा पास करेगी, लेकिन हमारी पैरेलल रेज हैं और ये जो हैं हमारे पास आ तो पैरेलल रही हैं, तो इसका मतलब ये जो सारी की सारी रेज हैं ये कहाँ पर जाके मीट करेंगी, जहां पर फोकस होगा इसका, इसका मतलब इन्होंने फोकस जो है वो यहां पर बनाया हुआ, यहां पर हमारी इमेज बन रही है ना, तो ये है आपका फोकस F0। इस बात को याद रखना है, समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बोला कि हमारे पास हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को इस ढंग से एडजस्ट किया है कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज एट फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। तो मतलब यहां पर ये फोकल प्लेन F0, मतलब यहां पर आपका ये फोकल प्लेन बन गया आपका, यहां पर आपकी इमेज बन रही है, और हमने क्या करना है यहां पर एक लेंस रखना है, और वो लेंस क्या है जिसका अपर्चर क्या है स्मॉल है, और क्या होगा बेटा जिसका अपर्चर स्मॉल है, दिखाई दे रहा है जिसका अपर्चर क्या है स्मॉल है, इससे अपर्चर क्या है स्मॉल और उसकी फोकल लेंथ भी क्या है स्मॉल है, राइट। तो वहां पर हमारी जो इमेज बन रही है, अब कैसे बनेगी इमेज, एक रे तो आप इसके सेंटर से पास कर दो यहां से, ठीक है, एक हम सीधी पास कर देते हैं, ये हम अगर पास करेंगे इसको ऐसे, ये चलेगी ऐसे सीधी, तो ये ऊपर की तरफ चलेगी, स्केल से बनाना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज C2, ये रे चलेगी, एक रे आप पहले इसको हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक रे जो है हमारी सीधी जाएगी, ये बिल्कुल सीधी रे जा रही है, और हमने इसको क्या कर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये रे बिल्कुल चलेगी। तो जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे ये यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगी मिल जाएगी, तो ये आपकी क्या बन गई बेटा A'B'। ये भी इमेज बन गई, इसको हम लिखेंगे A', इसको लिखेंगे B'। डायग्राम समझ आ गए, क्लियर होगी बात, मतलब आपकी ये रे आई यहां पर, आपकी क्या बनी इमेज बनी, इसकी इमेज यहां पर बनी, ये इमेज इसके लिए क्या बन गई ऑब्जेक्ट बन गई, यहां पर कहीं आपकी कहीं पीछे क्या है आई है, ठीक है, क्लियर। तो जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये यहां पर मिलेगी, तो ये जो इमेज बन रही है ये हमारे पास क्या है, क्या है ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, इसकी इमेज क्या बनी रियल एंड इनवर्टेड, इसकी इमेज क्या बनी रियल एंड इनवर्टेड, और ये इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारे पास आईपीस ने इमेज बनाई है वो बनाई है हमारे पास, एक तो वर्चुअल होगी दूसरी इरेक्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इस तरफ को है और इमेज भी इस तरफ को है। डायग्राम समझ आ गया, देखो ध्यान से, क्लियर होगी बात, चले आगे, पता चल रहा है, चल ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द किसका ऑब्जेक्ट, गलती पता चल गई ना आपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, फोकल प्लेन के ऊपर हमारी इमेज बन रही है तो वो तो पैरेलल की बात होती है कि पैरेलल आए तो वो फोकस से पास करेगी, लेकिन अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, पैरेलल की बात नहीं मैं कर रहा हूं। डायग्राम क्लियर है, चले आगे, स्केल से बनाना है आपने। अब हमारे पास इसमें भी दो केस है, प्रिंसिपल जो है वो दो तरह से हम डिस्कस करते हैं, इसका प्रिंसिपल नंबर 1 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाला, वही कि जब आपकी फर्स्ट केस हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट विजन, क्या बोलेंगे हम इसको डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर है। तो टेलीस्कोप को हमने इस ढंग से एडजस्ट करना है कि हमारी जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर। तो हमने आईपीस को इस ढंग से एडजस्ट करना, तो इस
एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। ये बात क्लियर होगी, पता चल गया, क्लियर है, सिंपल सी बात है। डायग्राम आपने खुद बनाना है, राइट। मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि मैं आपको इसके ऊपर क्या कहते हैं, जैसे वो बनाते हैं ना कि कंप्यूटराइज बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें तो बिल्कुल अच्छी डायग्राम बन जाती है, लेकिन हमारे पास यही तरीका है इस टाइम, तो हम यही यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट बोलते हैं हम इसको, तो डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट आपको पता चल गई, क्लियर है। तो डिस्टिंक्ट विजन के बाद हमारे पास जो इमेज बन रही है, मैंने आपको क्या बताया था कि इमेज हमारे पास क्या बन रही है, वर्चुअल, राइट, वर्चुअल बन रही है, और क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है इस केस में, इस केस में। अदरवाइज इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास इमेज क्या है, अगर हम पूरा देखें होल, इस आईपीस के लिए हमारे पास इमेज क्या है, वर्चुअल है और अरेक्ट है। अगर हम पूरे का पूरा देखें तो इस सब्जेक्ट के लिए ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, राइट। मतलब जो हम देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ आईपीस की बात कर रहा हूं कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके लिए तो इमेज जो है हमारे पास क्या बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है और एक्ट बन रही है। लेकिन अगर हम पूरा देखें, पूरा सिस्टम, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो इधर है, हमारा ऑब्जेक्ट तो इधर है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, इसकी जो इमेज है वो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अब क्लियर हुई, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसमें जो हमारे पास इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन, सॉरी, इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, गॉट इट, क्लियर। चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमने, मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है कि क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, यही बोला ना मैंने, ठीक है। हम किस केस में कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन में कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट विजन में मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या होती है कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, फाइनल इमेज एट द आई एंड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो इस केस में बीटा अपॉन अल्फा, आपका बीटा कौन सा है, अल्फा कौन सा है, ये देखो ध्यान से, ये है फाइनल इमेज ने आई के ऊपर एंगल सबटेंड किया, तो इसका मतलब ये एंगल जो है, ये वाला यही है ना, राइट। जब हमने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया हुआ है, यही है ना, आपने स्केल से बनाना जब, तो ये हमारे पास क्या है, बीटा, इतना एंगल, मतलब ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश और सी टू, इसमें जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, बीटा है। ये बात क्लियर होगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। चलें आगे, क्लियर है। अब हमारे पास वही है कि बीटा निकाल लो, अल्फा निकाल लो। अब चलो इसको क्या लिखते हैं हम, टैन बीटा टैन अल्फा, राइट। तो टैन बीटा किसके बराबर होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, बीटा के लिए हम ट्राइंगल कौन सी, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ये ले लेंगे, देख लो, ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, हम ए डैश बी डैश सी टू भी ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो ए डैश बी डैश सी टू भी ले सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये और ये इसके बराबर ही आ रहा है ना ये, तो हम इसको इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी टू निकालो, टैन बीटा कितना आया, टैन बीटा हमारे पास आ गया है, दैट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन आगे क्या है, सी टू ए डैश, यही बना ना इतने ट्राइंगल में, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, सी टू ए डैश क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में देखा मैंने ए डैश सी टू बी डैश या ए डैश बी डैश सी टू, ये छोटी सी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है, राइट, क्लियर। तो ए डैश बी डैश सी टू, ए डैश हमारे पास आ गया, चले आगे, तो हमारे पास टेंजेंट बीटा निकल गया। अब टेंजेंट बीटा के बाद हमने क्या निकालना है, टेंजेंट अल्फा, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, अब अल्फा वो बना है हमारे पास, मैंने अब मेरे से पूछोगे कि सर आपने ए डबल डैश बी डबल डैश क्यों नहीं लिया, देखो ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन और ए डैश बी डैश सी टू, ये मेरे लिए ये जो पॉइंट है ये कॉमन बन गया, ए डैश बी डैश मेरे लिए परपेंडिकुलर कॉमन बन गया, तो मेरे लिए कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी, इसके साथ मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ए डैश बी डैश लिया, ना कि ए डबल डैश बी डबल डैश, बात क्लियर होगी। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन, ए डैश बी डैश सी वन, ये देखो
सी वन है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये एक ये ट्राइंगल ली मैंने, एक ये ट्राइंगल ली, उसमें मैंने टेंजेंट बीटा निकाल लिया, इसमें मैंने टेंजेंट अल्फा निकाल लिया। सो टेंजेंट अल्फा कितना होगा बेटा इसमें? टेंजेंट अल्फा होगा आपके पास परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और ये कितना बेस सी वन ए डैश, राइट। दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन वन, ये यहां पर पुट कर दो। ओके क्लियर है, समझ आ गई बेटा, चलें आगे। चलो अब आप क्या करो, ये वैल्यूज जो है ये यहां पुट कर दो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, शाबाश। डन, क्लियर है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए ही हम कर रहे हैं सारा। तो टेन मैग्नीफाइंग पावर टेन बीटा, टेन बीटा मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी टू ए डैश, ये वाला टेन अल्फा रखेंगे तो ये नीचे आएगा, तो मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, सी वन ए डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, सी वन ए डैश सी टू ए डैश, यही है, देखो सी वन ए डैश और सी टू ए डैश, क्लियर, गुड। अब हम क्या करेंगे, सी वन ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सी वन ए डैश, सी वन ए डैश हमारे पास है का, क्लियर, सी वन ए डैश, यहां पर हमने वो फोकस नहीं लिखा है, एफ ई आई पी इसका भी फोकस होगा ना, ठीक है। तो सी वन ए डैश और सी टू ए डैश, सी वन ए डैश कितना है हमारे पास, सी वन ए डैश यहां से लेके यहां तक ये कितना है, एफ जीरो, और इस तरफ को है तो इसलिए मैं इसको क्या लिखता हूं, एफ जीरो, ठीक है, बात क्लियर होगी, राइट। उसके बाद सी टू ए डैश, सी टू ए डैश देखो ये जो डिस्टेंस है ये किसका डिस्टेंस है, अगर मैं ये डिस्टेंस यहां पर लिखूं तो ये है क्या, व्हाट इज दैट, ये अब आई पीस के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो इसकी जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको यू ई लिखूंगा, यू ई मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके लिए, आई पीस के लिए, तो ये कितना होगा सी टू ए डैश कितना होगा, माइनस यू ई, ये बात क्लियर होगी, क्योंकि वो रे तो हमारी इस तरफ को जा रही है, हम डिस्टेंस सी टू ए डैश इस तरफ को ले रहे हैं, इसमें सी वन ए डैश ले रहे थे वो इस तरफ को ले रहे, इसलिए एफ जीरो क्या है पॉजिटिव, वो क्या है हमारे पास नेगेटिव, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, एफ जीरो अपॉन माइनस यू, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। अब हम कर क्या रहे थे, फार डिस्टिंक्ट विजन, क्या कर रहे थे, फार डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन के लिए हम कर रहे थे, तो डिस्टिंक्ट विजन में हमारे पास आई पीस के लिए फार एंड आई पीस, आई पीस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आई पीस क्या बोल रहा है, लेंस फार्मूला लगाओ, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी डेट इज इक्वल वन अपॉन एफ, लेंस फार्मूला हमने बनाया, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी डेट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, गॉट इट, वो क्लियर है। अब यू कितना है आई पीस के लिए, आई पीस के लिए ध्यान से देखो यू कितना है, डेट इज माइनस यू ई, आई पीस के लिए वी कितना है, डेट इज डी, इधर देखो डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इस तरफ को है, इस तरफ को भी क्या होगा वो माइनस डी ही हमारे पास आएगा, वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस वन अपॉन माइनस यू ई प्लस वन अपॉन माइनस डी डेट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ किसका है ये आई पीस का, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे वन अपॉन एफ ई, तो यहां से ये क्या हो गया पॉजिटिव, मिटा दो बेटा ये, हाँ अच्छा पहले स्क्रीन शॉट ले लो, डन। चलो अब हम पहुंचे कहां, हमने करना क्या है, वन अपॉन ये प्लस हो गया तो क्या बन गया वन अपॉन यू ई माइनस वन अपॉन डी डेट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है क्लियर, हमें क्या चाहिए वन अपॉन यू ई, तो वन अपॉन यू ई ये किसके बराबर आ गया वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ, ये बात क्लियर होगी, वन अपॉन यू ई वन अपॉन, ठीक है क्लियर, वो समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें से वन अपॉन एफ ई बाहर निकालू, वन अपॉन एफ ई मैंने कॉमन निकाला, मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया, वन अपॉन एफ ई मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इसका मतलब वन अपॉन एफ ई जगह क्या रह गया वन रह गया,
अब यहां पर डी था, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो डी, तो इसका मतलब मैं यहां पर एफ ही लिख सकता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, मैंने एडजस्टमेंट की है तो मैंने क्या लिखा, ये वन अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, एक स्टैंडर्ड फार्मूला सब ना, क्यों, क्योंकि मैंने वन अपॉन एफ ई कॉमन निकाल लिया, वन अपॉन एफ ई कॉमन निकाल लिया तो यहां पर क्या रह गया, वन रह गया, यहां पर कहीं वन अपॉन एफ ई नहीं था, तो जब ये वन अपॉन एफ ई अंदर जाएगा तो डी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको काटने के लिए, क्योंकि यहां पर वन अपॉन डी है तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। तो वन अपॉन यू ई हमारे पास किसके बराबर बन गया, वन अपॉन एफ ई टू वन प्लस एफ ई अपॉन डी। आप ऐसा भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना, उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करना है, क्लियर होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या थी, माइनस एफ जीरो अपॉन यू ई, यही निकाला हमने, जो मैग्नीफाइंग पावर हमने पहले निकाली थी, देखना जो इक्वेशन हमने पहले निकाली सबसे पहले वो क्या थी, एफ नॉट अपॉन माइनस यू, ऐसे था, ये निकाला था एफ नॉट अपॉन माइनस यू, चेक कर लेना सही है। तो वन अपॉन ई मतलब हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट, यहां पर ले लेता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं माइनस एफ नॉट इन टू वन अपॉन यू, वन अपॉन यू की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, राइट right? तो क्या फार्मूला बना, जब हम यहां पर वन अपॉन यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, माइनस एफ नॉट इंटू वन अपॉन यू, वन अपॉन यू क्या है, एफ ई तो है ही है इसके साथ, और साथ में क्या बन गया, वन प्लस एफ ई ओवर डी, वन प्लस एफ ई ओवर डी, गॉट इट, समझ आई। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ गया, कब, जब हमारे पास जो इमेज बन रही है वो डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, क्लियर है, इसमें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। अब इस केस में भी हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो जब हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फाइंड करेंगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखो इसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में हम क्या करेंगे, सी वन एफ नॉट और एफ नॉट सी टू, यही बनेगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब सी वन एफ नॉट प्लस सी टू एफ, यही बना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बन जाएगा, क्लियर है। तो एक एफ जीरो एक यू ई है, एक एफ जीरो, अब इसमें साइन कन्वेंशन नहीं मैं लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि हमने सिंपल क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है, एक एफ जीरो है, दूसरा क्या है UE है, तो आपके पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है वो कितनी आ गई, एफ जीरो प्लस यू ई, क्लियर है, समझ आ गई। आप UE की वैल्यू जो है वो वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि UE जो है वो किसके बराबर है, UE हमने निकाला ना यहां पे, ये UE निकाला है, आप इस UE को उल्टा करके वहां पर भी लिख सकते हो, ये यूई की वैल्यू आप यहां पर भी लिख सकते हो। अगर मैं वन अपॉन यूई की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, वन अपॉन यूई, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो उल्टा ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर देखो, ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या बनता है, डी एफ ई, और ऊपर क्या आएगा, एफ ई प्लस डी, यही बनेगा। वन अपॉन यूई को अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, डी एफ ई बनेगा, एफ ई प्लस डी बन जाएगा, क्लियर है, वो समझ आ रही है, डी एफ ई। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो यूई कितना है, ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, डन, चलो अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, तो UE मेरे पास कितना आ गया, UE आ गया मेरे पास D FE over FE plus D, यही बना, D FE upon FE plus D, या आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, FE D over FE plus D, तो ये हमारे पास UE है। तो इसकी जगह हम जब हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वो F0 plus FE D over एफ ई प्लस डी, मतलब आपके पास डिस्टिंक्ट विजन है, कितना है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो आपके पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, अगर ये दोनों दिए हैं तो भी निकल जाएगी, मतलब डिफरेंट फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए, जो भी आपके पास है आप उसको अप्लाई करके आप फार्मूला निकाल सकते हो, इतनी बात क्लियर होगी। चलें, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास नॉर्मल विजन,
ठीक है, कौन सा करेंगे हम, नॉर्मल विजन, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ओके डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल विजन के लिए डायग्राम बनाना, ठीक है, नॉर्मल विजन का डायग्राम बनाना है। नॉर्मल विजन में क्या होगा, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है, पहले मैंने डिस्टिंक्ट विजन की एडजस्टमेंट बताई आपको, अब हम करेंगे फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन में जो आपकी इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी के ऊपर। तो लिखो नॉर्मल विजन क्या होता है, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। तो नॉर्मल विजन लिखो, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब आपकी फाइनल इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, देन द टेलीस्कोप इज सेट टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब नॉर्मल विजन जो है, जो हमारे पास नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन में जो टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल विजन में टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट कैसी होगी, कि हमारे पास जो टेलीस्कोप है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में तब होगा जब फाइनल इमेज जो है दैट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नॉर्मल विजन में जो आपकी फाइनल इमेज है दैट इज फॉर्म्ड कहां पर, एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज आपकी कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, ओके बस सिंपल सी बात है। तो हमने डायग्राम ऐसे बनाना है कि हमारी फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर बन जाए, क्लियर। तो डायग्राम को ध्यान से देखना है, तो नॉर्मल विजन के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, कोशिश करूंगा, मैंने बोला कि डायग्राम जो है वो कोशिश करता हूं मैं, लेकिन अगर सीधा ना बने तो कोई बात नहीं, आपने खुद ही बना लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब हमारे पास क्या है, बात वही है, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव होगा राइट, इसमें ये हमारे पास कहां से आ रही है रे, ये रे आ रही है, और एक ये रे आएगी, ठीक है, और ये यहां से, और ये यहां से, ठीक है, ये क्रॉस कर दी यहां पर, इसका मतलब यहां पर ऐसे, ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास जो है ये आप बड़ा भी बना सकते हो, इसको इसको बड़ा भी बना सकते हो, आप थोड़ा सा बड़ा बना दो, ये बन ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, बना लेना आप, आपकी ड्राइंग जो है वो अच्छी है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, ओके क्लियर। अब यहां पर क्या बन रहा है, ये आपकी इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश। अब हमने वही रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट करना है, बताया ना मैंने कि रैक एंड पिनियन हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो उसमें मैंने क्या बोला है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट में हम तुक्का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तुक्का ही होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, और क्या होता है। ये मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि ये मुझे ना थोड़ा टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, पता चल गया ना लेंस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बनाया हुआ, क्लियर। तो ये लेंस बन गया, चले आगे, क्लियर है। तो अब हमारे पास यहां से ये है ऑप्टिकल सेंटर डेटा C1, ऑप्टिकल सेंटर क्या है हमारे पास C1, तो ये इमेज जो है हमारे पास यहां पर बन रही है, तो इसका मतलब इमेज कहां पर बन रही है, अगर ये डिस्टेंस हम यहां से यहां तक देखें तो ये तो पता ही है आपको फोकस के ऊपर बन। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इमेज, इसकी जो इमेज है वो आई पीस के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्टिव बनेगी, लेकिन आई पीस की, ध्यान से सुनना, अब आई पीस की इमेज कहां पर बनानी है, जो आई पीस है वो इमेज कहां पर बनाएगा, वो बनाएगा कहां पर, इन्फिनिटी के ऊपर बनाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर आई पीस के ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो इसका मतलब हमने एडजस्टमेंट इस ढंग से करनी है कि इसकी जो इमेज है वो आई पीस के फोकस के ऊपर बने, मेरी बात समझ आई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर आई पीस बनाता हूं, ये आई पीस जो है, ये आई पीस, ठीक है, इसका अपर्चर क्या है आई पीस में, इसमें अपर्चर क्या होगा, स्मॉल होगा राइट, आई पीस का अपर्चर क्या है, स्मॉल, समझ आई, इसका भी अपर्चर स्मॉल है, फोकल लेंथ भी क्या स्मॉल है, लेकिन हमने ये एडजस्टमेंट इस ढंग से की हुई है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये अब एफ ई के बराबर है, मतलब जो आपका यू ई है
वो एफ ई के बराबर बन गया। तब जो हमारे पास इमेज बनेगी बेटा वो कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारी जो इमेज है ये ऐसे बनती है कहीं, मतलब ये ऐसे बनेगी कहीं ना कहीं, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके, फिर जब आप पीछे की तरफ इसको लेके आओगे तो ये इन्फिनिटी के ऊपर जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ आई मैंने क्या बोला। ये रे आपकी आई, छोटा डायग्राम बना के बताऊं आपको, छोटे में डायग्राम में ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेना, क्योंकि ये जो रे होती है ना ये बड़ी मुश्किल में, छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है बेटा। चल, बड़ा डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये हमारे पास बन गया, दिखाई दे रहा ना, वेरी गुड। तो ये रे आई हमारे पास, ये फोकस से ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, ये आ गई है यहाँ पर, राइट। ये रे आ गई, छोटे डायग्राम जल्दी बन जाता है, मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, क्लियर। और एक ये रे आ रही, और यहाँ पर कहीं क्या बना रही है ये, हाँ ये छोटा डायग्राम बढ़िया ढंग से बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सी वन हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई, और इस ढंग से बनानी है। ये देखो, ये आगे की तरफ गई, ये पीछे, ये क्रॉस हो गया ना, यहाँ से क्रॉस हो गया, तो ये रे जो है वो इस तरफ को जाएगी, ये भी रे इस तरफ को जाएगी। तो जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे इसको, तो ये पैरेलल रेज आएगी, दे विल मीट एट इन्फिनिटी, यहाँ पर आप कहीं आई होगा। अब डायग्राम सही हो गया, दिस इज सी टू। अब यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस तक, ये बन गया हमारे पास एफ नॉट, राइट। और यहां से यहां तक ये कितना मैंने बोला कि एफ ई है, तो यहां पर एफ ई किसके बराबर आ गया, यू ई के बराबर। ये बात क्लियर होगी आपको कि यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, मैं पूरी लाइन बना देता हूं, ये इतना, इतना, ये वाला, ठीक है, अब क्लियर होगा, छोटा डायग्राम जल्दी बन जाता है। तो ये कहां पर बनेगी, जाके इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। अब डायग्राम समझ आ गया, ये रे आई, ये ऐसे क्रॉस कर गई, ये देखो ये यहां पर क्रॉस कर रही है, दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस कर रही है, और ये रह गई, ये ऐसे कर रही है, ये देखो ये छोटा सा, ये आई, ये इधर को चली गई, और ये भी क्या होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होगी, यहां से क्या होगी, ये रे भी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ये भी रिफ्रैक्ट होगी, क्लियर है, समझ, अब डायग्राम समझ आ गए, क्लियर है, चले आगे। अब डायग्राम बिल्कुल ध्यान से बनाना, ये रे ऐसे आ रही है, देखो ये जो जा रही है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही है, फिर मैं इनको, ये जो रे जा रही है ना, ये भी लेंस के ऊपर जा रही है, ऐसे, समझ आ गई। तो ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी, ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी, इतनी बात याद रखना है। बन गया डायग्राम, चलो डायग्राम आपने स्केल से बनाना है, नहीं बना तो मुझे बता देना, फिर मैं इस डायग्राम की फोटो भेजूंगा आपको, ठीक है, क्लियर। वैसे बन गया है, समझ आ गया आपको, ठीक है। ये रे यहां से आई, ये रे इधर से गई, तो ऐसे गैप बन रहा ना, ये देखो एक ये ऊपर की तरफ चली गई, ये भी इस तरफ को चली गई, तो जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये पैरेलल आनी चाहिए रेस, तुम्हारा डायग्राम बन गया। सो दिस इज फॉर नॉर्मल विजन। तो अब आपको पता है कि फॉर नॉर्मल विजन में क्या होता है, यू ई जो है वो एफ ई के बराबर होता है, ये तो हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर होगी ऑफ अ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो किसके बराबर होगी, हमारे पास क्या था, माइनस एफ जीरो अपॉन यूई था, यही था, लेकिन यूई किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस एफ जीरो अपॉन एफ ई, क्लियर है। सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर, किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन। और इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दैट इज एल, किसके बराबर होगी, सिंपल, यहां से यहां तक एफ जीरो, यहां से यहां तक, मतलब सी वन से सी टू का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन गया ये, एफ जीरो प्लस एफ ई, सो दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, क्लियर है, समझ आ गई, पता चल गया, मतलब ये हमने कहां से कहां लिया, सी वन से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है, ये है पॉइंट क्या है, एफ जीरो है, एफ जीरो भी है और एफ ई भी है, मतलब एफ जीरो, ये पॉइंट एफ जीरो भी है और यही पॉइंट क्या है, एफ ई भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एफ ई किसके बराबर होता है,
यूई के बराबर। आप इतने छोटे से को आप क्या लिख सकते हो, यूई भी लिख सकते हो, आप इसको एफ ई भी लिख सकते हो, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है एफ जीरो, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल विजन, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आपने उसमें ध्यान से देखना है कि आपका नॉर्मल विजन चल रहा है या आपका कौन सा डिस्टिंक्ट विजन चल रहा है। क्लियर है, समझ आ गई? तो इसके बाद हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीस्कोप, वो नेक्स्ट में करेंगे। उसके साथ ही हम रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, थोड़े से क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम कर लेंगे, बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो इसके साथ ही बस एक दो लेक्चर रह गए हैं आपके रे ऑप्टिक्स के, तो रे ऑप्टिक्स की थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी खत्म है। फिर हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, चार पांच सीरीज करेंगे, उसके बाद फिर एक और चैप्टर जो है न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।